हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आज ही के दिन में ये रिजल्ट निकल कर सामने आया है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि इस बार का रिजल्ट किस प्रकार का है और आगे का इसमें किस प्रकार का आपको व्यू रखना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जो इनकम रहा है, इनकम की बात कर ले तो टोटल इनकम है वो आपको दिखा देगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप देखें रिवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस है, उसमें इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे यहाँ पे, और या फिर सीधा सीधा बात करें तो वही सेम यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो आपको दिखाई देगा 225। जो भी मैं फिगर बता रहा हूँ दोस्तों, ये लैक्स में रहेगा। पिछले साल 225 का था, पिछले क्वार्टर में 230 का था, और इस क्वार्टर में वापस से 230 का ही रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला क्यों क्यों, ईयर और ईयर बेसिस पे यहाँ पे 5 लाख का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसको अगर आप 9 मंथ के कंपेयर में देखेंगे, पिछले साल का जो 9 मंथ था फिजिकल ईयर का, इस बार का कितना है, तो पिछले बार जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो 676 पे फिगर था, 676, वो इस बार 690 पे है। तो वहाँ से एक इंक्रीमेंट है दोस्तों, और 9 मंथ में यहाँ पर कंपनी वहाँ से थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से ये ग्रोथ धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है और यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, जिसके कारण से इसका प्राइस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था, क्योंकि ये एक डेट फ्री कंपनी है, उसके कारण से यहाँ पर जब भी तेज़ी बनेगी काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पर अगर देखें टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो टोटल एक्सपेंसेस में काफ़ी अच्छा खासा सुधार है पिछले बार से कंपेयर करेंगे तो जो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे, तो पिछले बार जो 69 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 35 के आसपास था, इस बार 61 पे, तो उसी के आसपास यहाँ पे एक्सपेंसेस चल बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि कैसा रहा इसका जो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंसल्टिंग ऑपरेशंस की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो पिछले साल 166 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 194 के आसपास था, इस बार वापस से 178 के आसपास है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 9 मंथ के पीरियड में, तो आपको नज़र आएगा कि 591 के आसपास जो पिछले बार था, इस बार 574 के आसपास है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है 9 मंथ के पीरियड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो कैपिटल, तो वो काफ़ी बढ़िया शानदार है, 1 पे कोई भी डेप्थ नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर जनरली अगर आप स्मॉल कैप कंपनियों में ट्रेड करते हैं, तो आपको ऐसे शेयरों की तलाश रहनी चाहिए जिसमें डेप्थ ना के बराबर हो। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट बोल सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहा, ऐसा कुछ भी ऐसा जो सीनेरियो चल रहा है जहाँ पर काफ़ी एडवर्स सीनेरियो था मार्केट में, बिजनेस के लिए भी हाई फ्यूल प्राइसेस, बहुत सारी चीज़ उसके डिस्पाइट भी यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है अभी भी सेव है और अच्छा चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया वहाँ से परफॉर्म करके आपको दे सकती है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइस देखें, तो यहाँ पर प्राइस आपको रिवर्स होता हुआ भी दिख सकता है। तो यहाँ पे 1.63, ये सब जो वहाँ पे 1.63 से 1.65 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप बाई करके भी चल सकते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो डील्स होता हुआ नज़र आया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो डील्स का प्राइस देख सकते हो, वो प्राइसेज एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकती है, हालांकि प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ऊपर निकलती है तो ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूँ, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूँ दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।